15 अगस्त को यहाँ जीसस कॉलेज में, जहाँ मैं मौजूद हूँ कैम्ब्रिज में, जैसे ही मुरारी बापू की राम कथा ख़त्म होने को आ रही थी, एक बहुत ही ख़ास मेहमान पहुँचा, यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जैसे ही मुरारी बापू ने उन्हें स्टेज पर अपना वक्तव्य कहने का न्योता दिया, उन्होंने अपनी बात जय सियाराम कहकर शुरू करी और ऐसे ही उन्होंने अपना वक्तव्य का अंत भी किया और शुरुआत के ही वाक्य में कहा कि मैं यहाँ एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर मौजूद हूँ। करीब 40 मिनट के करीब प्रधानमंत्री ने यहाँ गुजारे, लोगों को प्रसाद भी दिया, बहुत से लोगों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने कभी भी हिंदू होने को छुपाया नहीं है, बल्कि बहुत ही उजागर किया है। बाहर 11 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने दिवाली पर दिया जलाने से लेकर हाथ में मौली पॉल पहनने तक, या फिर गीता पर अपनी ओथ लेने तक, या फिर मुरारी बापू के सामने जब हज़ारों की तादाद में लोगों को वक्तव्य के समय उन्होंने कहा, जिस तरह की गोल्डन हनुमान मुरारी बापू के पीछे मौजूद हैं, ऐसे ही गोल्डन गणेश उनकी टेबल पर मौजूद हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, जो उनको सही निर्णय देने में प्रेरित करते हैं। ये सिर्फ एक निजी विजिट ज़रूर हो, लेकिन इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है और वो ये कि ब्रिटेन भी 2025 में जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। इस वक्त टोरी पार्टी काफ़ी नीचे है और ऋषि सुनाक को ना सिर्फ अपने लोगों की, जहां वो मौजूद थे, निजी तौर पर उनकी ज़रूरत है, जो उन्होंने पूरी तरह से अपने उस रिश्ते पर सील लगाई, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ उन्हें चाहिए इस वक्त ब्रिटेन में, जहां महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और इस वक्त उनका इशारा जाता है और उनसे ये अपेक्षा भी की जा रही है कि भारतीय ओरिजिन का होने के कारण हो सकता है उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो इंडिया और यूके की डील है उस पर मोहर लगाई जा सके, और इस पर काम शुरू हो चुका है। G20 में सितंबर में ऋषि सुनाक पहुंचेंगे भारत और केबी वर्डनॉक ट्रेड सेक्रेटरी पहले ही पहुंचकर डील पर वार्तालाप करेंगी और ऐसी अपेक्षा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि ये डील पार हो और जिससे ऋषि सुनाक की अपनी पोजिशन को और भी पुख्ता किया जा सके और जनरल इलेक्शन में उनको इस तरह से आगे बढ़ने का यह हो सकता है, शायद इनके साथ और भी चीज़ों के साथ उनकी पोजीशन को पुख्ता किया जा सके। लेविना टंडन, आज तक, कैम्ब्रिज।